आज हम साहब ये बात करते हैं कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मारेंगे। तो मियां साहब लात मारो ना इनको, मारो लात ठक करके मारो, कौम निकलेगी तकरीरों से, तुम्हारी तकरीरों से नहीं निकलेगी। मोटर में मैंने बनाया बनाया जी सबको पता है, बम मैंने चलाया चलाया जी सबको पता है, राइट। मेरे वक्त में बिजली की ये हालत नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। मेरे वक्त में वाजपेयी ये बिल्कुल ठीक है। और आगे चलो ना, अगला मसला ये है, माजरत के साथ, जिस मसाक जमहूरियत को आप बेच रहे हैं चला रहे हैं, शहीद बेनजीर भुट्टो ने तो चंद दिनों बाद ही मुशर्रफ साहब से दो दफा मुलाकातें की थी। उसके बाद मियां साहब ने कहा भी था कि मिसाक जमहूरियत दफन हो गया, अपनी मौत आप नहीं नहीं दफन हुआ, इनको पंजाब मिल गया। लेट्स सी, 60% का सूबा इनको मिल गया, इन्होंने डिफ्रीजर पे लगा दिया, जब जरूरत पड़ी निकाल लेते हैं एक दिबाचा सा उसका। मैं 100% नवाज शरीफ से एग्री करता हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप तो बातों से मार रहे हैं सर, प्रैक्टिकल हो, लात मारें। हेयर इज द पार्लियामेंट आई एम लीविंग, हेयर इज द सेनेट। और वो आपका इस हाकदार रिश्तेदार अंदर से SMS पे लगा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, हाकदार लगा हुआ है, कोई तो शॉर्ट फेस रखना है ना पार्टी का। आप सारे टीवी पे दिखा रहे हैं कि मैंने इमरान खान के बारे में ये कहा, अब मेरे आप 20 साल की 15 साल की क्लिपिंग दिखाएंगे। अब देखे ना, आप लोग बाज लोग हैं, आपकी बात नहीं करता। यहाँ ऐसे एंकर हैं जो उधार खाए बैठे हैं, बर्थडे मनाते हैं जनाब हामिद मीर साहब नवाज शरीफ साहब के साथ, है जी। और गिफ्ट की मैं जिक्र नहीं करूंगा, गिफ्ट का जिक्र करूंगा तो क्यामत आ जाएगी, क्योंकि उस अदारे से मुझे एहतराम है जिसमें वो काम कर रहे हैं। मैं बेखबर सियासी वर्कर नहीं हूं। और जाम हेल्थ जो क्या कहते हैं, जाम सेहत वो मनाते हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब के साथ। तो सर एक साफी का काम है, साफी का काम ये नहीं है, नाम है पाकिस्तान, साफी का काम ये नहीं है कि सुबह इस मुल्क में असूल की जंग हो रही है और इतने बड़े अदारे को ऑन पेड भी ये प्रोग्राम नहीं हो सकता जो मेरे खिलाफ उन्होंने किया। कौम बगावत करे ऐसे लोगों से जो कौम के शऊर को, कौम की सोचों पर इतने बड़े अदारे को भी दाव पे लगा देते हैं। और उस अदारे को भी सोचना चाहिए कि हर रोज एक आदमी को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, हर रोज एक आदमी को रगड़ा दे रहे हैं, उस आदमी का ये जुर्म है कि वो सच बोल रहे हैं।